वाराणसी पहुंच चुके हैं और गाड़ी को पार्क किया है। पार्किंग की यहाँ पे सुविधा है नहीं, तो पार्क में आके गाड़ी को पार्क करना पड़ा। अब यहाँ से विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए निकल रहे हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो दर्शन का भी वीडियो मैं बनाऊंगा और ब्लॉग में डालूंगा, और कुछ मार्केट का भी क्लिप आपको दिखाऊंगा वाराणसी का मार्केट कैसा है। जैसे दिख रहा होगा पूरा ये मार्केट ही है पीछे वाराणसी का। आपको मंदिर जाने के लिए यहाँ से टेम्पू लेना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इश्यू रहता है, इसलिए गाड़ी को साइड में ही पार्क कर दें। और मार्केट में मंदिर बना हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ से ई रिक्शा मिल जाएगा। 10-10 रुपये सवारी के हिसाब से ई रिक्शा लेते ही आप मंदिर दर्शन के लिए जाए। और मार्केट भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकला हूँ, और सब दर्शन करके आ चुके हैं। आजू अब आया तो अटिनू। हाँ तो अटिनू चलो चलो। और अभी कुछ टाइम से मंदिर में मंदिर परिसर में जो कार्य चल रहा है उसके कारण वीडियो अंदर दर्शन के नहीं बनाने दे रहे हैं, तो मेरे को भी फ़ोन को यहीं जमा करा के जाना पड़ा और दर्शन करके वापस आया हूँ। भक्तगण आ रहे हैं दर्शन के लिए, और कुछ भक्त महादेव का आशीर्वाद लेके वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नूनू बेटा लेट हो रहे, चलो चलो जल्दी चलो। मम्मी और अब हम बनारस से निकल रहे हैं और हम जाएंगे मथुरा, और अभी हम रास्ते में चल रहे हैं और मथुरा पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मथुरा पहुंच जाएंगे और फाइनली हम मथुरा पहुंच चुके हैं। और यहाँ से वृंदावन 8 किलोमीटर दूरी पे है, और मथुरा का ब्लॉग भी अलग से मैं बनाऊंगा। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मथुरा में भी घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक स्थल, बहुत सारे मंदिर टेंपल बने हुए हैं। प्रेम मंदिर आपने सुना होगा, और नहीं देखा है तो मैं ब्लॉग के अंदर प्रेम मंदिर का वीडियो बनाऊंगा, तो देखते रहिए।